एसएसबी में हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आ गया है, तो जो भी कैंडिडेट एसएसबी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं पूरा डिटेल। और इसमें जो है आपका ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है, और इसमें कैंडिडेट को आपका 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें आपका इंडिया, नेपाल और भूटान के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो पोस्ट है आपका हेड कस्टमर के लिए रिक्रूटमेंट है, और इसमें अनरिजर्व का 47 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 11, ओबीसी का 26, एससी का 21, एसटी का 10, इसमें टोटल 115 पोस्ट है। यहाँ जो यूएन लिखा हुआ है, सॉरी यूआर लिखा हुआ है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस जो लिखा हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा हुआ है उसका मतलब, और एससी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी जो लिखा हुआ है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी जो लिखा हुआ है आपका अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और 10% जो आपका सीट जो आपका रिजर्व रहेगा वो आपका एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व रहेगा। और डायरेक्टर जनरल जो है एसपी का जो है उसका जो वैकेंसी है उसको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, तो इस बात का अपना ध्यान रखेगा। और हेड कांस्टेबल के लिए जो है कैंडिडेट आवेदन करेंगे उसका उम्र जो है 18 से लेकर 25 साल होना चाहिए, और उसके लिए क्वालिफिकेशन आपका +2 मांगा गया है। और इसमें कैंडिडेट को आपका इंग्लिश टाइपिंग जो आपका होगा उसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में होना चाहिए, या फिर अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो मिनिमम जो उसका स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वो भी आपका कंप्यूटर में। और इसका जो है आपका 30 दिन तक इसको आपको आवेदन करना है, तो ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं है। इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहे देना पड़ेगा, यू आर, ई डब्ल्यू एस आर, ओ बी सी कैंडिडेट को जो आपका 100 रुपया फ़ी देना पड़ेगा, और एस टी एस सी को कोई या फिर एक्स सर्विस मैन या फीमेल कैंडिडेट को इसमें कोई फ़ी देना नहीं पड़ेगा। और जो फ़ी जमा करेंगे अनरिजर्व ई डब्ल्यू एस आर ओ बी सी कैंडिडेट उसका जो है नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो इसका आवेदन आपका www.ssbrect.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन मेथड है उसमें पहला आपका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपका एस टी एस सी ओ बी सी कैंडिडेट का सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें चेक होगा। दूसरा जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल होने के बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें होगा। और जिसमें मेल कैंडिडेट होगा जिसमें आपका 8 किलोमीटर आपका दौड़ना पड़ेगा 8 मिनट में, और आपका 3.5 फीट आपको जंप करना है 3 चांसेस में, ठीक है। और एक सर्विस मैन रहेगा तो उसको जो है उनको जो है पीईटी के लिए देना नहीं पड़ेगा, उनको खाली जो है आपका रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट उसी को पास करना पड़ेगा। इसका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका रहेगा पार्ट 1 जिसमें हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का रहेगा जो 50 मार्क्स का रहेगा, दूसरा जब का रहेगा जनरल इंटेलिजेंस जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, तीसरा जब का रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इसमें भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, चौथा जब का रहेगा क्लिकर एप्टीट्यूड ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। इसके लिए जो कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, हाइट आपका 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, और चेस्ट उसका एक्सपेंडेड आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। इसमें आपका एस टी एस सी को 5 साल का एज में रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ओ बी सी को 3 साल का एज में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो यहाँ देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया गया 011-2619-3929 इसमें, और 09-868-207689 इन दोनों नंबर में आप लोगों 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक में मंडे से फ्राइडे कॉल करके अपना जो है डाउट इसमें क्लियर कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी आप लोगों का अगर कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट एसएसबी में जॉब करना चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।